सबसे पहले गाइस इस चैनल की आप लोग अर्निंग देख लो, उसके बाद ही मैं आगे बात कुछ करने वाला हूं। तो यहां पे दोस्तों सबसे पहले इसकी जो एस्टिमेटेड अर्निंग मंथली अर्निंग है वो यहां पे 2.5 के डॉलर से लेकर के 40.2 के डॉलर है। मतलब कि दोस्तों यहां पे कितनी ज़्यादा इसकी अर्निंग है। अब मैं इसको आप लोगों को एक बार इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करके दिखा देता हूँ, फिर आगे की बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं इसको अपने कैलकुलेटर को ओपन करता हूँ। कैलकुलेटर ओपन करने के बाद आप लोगों को इसकी जो अर्निंग है इंडियन रुपीज़ में दिखाता हूँ कन्वर्ट करके, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने अपना कैलकुलेटर को ओपन कर लिया है। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे देखो, वहाँ पे था 2.5 के डॉलर यानी कि 2500 डॉलर, और इसको हम गुना करेंगे 82 रुपये से, क्योंकि यहाँ पे जो हमारे इंडियन रुपीज़ में एक डॉलर की कीमत 82 रुपये है, तो हम इसको 82 रुपये से गुना कर देते। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो 2,05,000 रुपये जो इसकी स्टार्टिंग अर्निंग है। उसके बाद दोस्तों जो 40 पॉइंट डॉलर था वो समझ सकते हो आप कितना ज़्यादा अर्निंग है। और दोस्तों इसमें आप लोगों को कुछ भी करना नहीं है, आपको ना फेस दिखाना है ना वॉइस दिखाना है। सिंपली दोस्तों जो आप आलतू फालतू की इधर उधर की वीडियोस देखते हो ना, उन्हीं पे आप लोगों को काम करके यूट्यूब पे अपलोड कर देना है। ना उसमें दोस्तों आप लोगों को अपना फेस दिखाना है, ना उसमें दोस्तों आप लोगों को वॉइस ऐड करना है। आपको कुछ भी नहीं करना है, सिंपली वीडियो को उठाना है, चैनल पे अपलोड कर देना है, बस आपकी अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी। तो किस तरीके से करना है, कैसे करना है, आज के इस वीडियो में आप लोगों को कंप्लीट जानने को मिलेगा, काफी कुछ सीखने को मिलेगा। अगर दोस्तों आप लोग चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं ऐसी हेल्पफुल वीडियो लाता रहता हूँ। अगर आप लोगों को वीडियो से काफी कुछ सीखने को मिले तभी आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा, और आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो कमेंट में जरूर पूछिएगा। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। सो गाइस आप लोगों को करना क्या है, सबसे पहले यूट्यूब खोलना है। यूट्यूब खोलने के बाद यहाँ पे आप लोगों को लिख देना है सेटिस्फाई वीडियो। जैसे दोस्तों यहाँ पे आप सेटिस्फाई वीडियो लिख दोगे, काफी सारे वीडियो आप लोगों को देखने को मिलेगा। सबसे पहले ये वाला जो चैनल है सबसे ऊपर जो आ रहा है, मैं इस चैनल को ओपन कर लेता हूँ। इस चैनल को ओपन करने के बाद आप लोग इस चैनल पर सब्सक्राइबर देख सकते हो, 22,07,000 सब्सक्राइबर है। और वीडियोस कितनी डाली है, ओनली 56 वीडियो डाला है। मतलब आप लोग समझ रहे हो किस स्पीड में चैनल ग्रो हो रहा है, 56 वीडियो में इतना सब्सक्राइबर। अब अर्निंग वगैरह तो मैं चैनल का आपको स्टार्टिंग में ही दिखा चुका हूँ, ठीक है। अब आप लोगों को इसी तरीके का वीडियो बनाना है, जैसे तरीके का इसमें शॉर्ट डालना है, इस तरीके का ही वीडियो बनाना है। अब ये आप लोगों को कहाँ से मिलेगा, कैसे मिलेगा, डाउनलोड कैसे करना है, एडिट कैसे करना है, अपलोड कैसे करना है, पैसा कैसे कमाना है, वो सब आप लोगों को जानने को मिलेगा। तो आपको वीडियोस कुछ इस तरीके का क्रिएट करना है, ठीक है। अब इस तरीके का वीडियो आप कैसे क्रिएट करोगे, वीडियो कहाँ से लाओगे, चलो अब वो बता देता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले दोस्तों आप लोगों को करना क्या है, ये जो सेटिस्फाई वीडियो है ये आप लोगों को याद रखना है, इतना आप लोगों को लिखना पड़ेगा, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे जो सेटिस्फाई वीडियो है ये आप लोगों को लिखना है, जहाँ मैं बता रहा हूँ वहाँ पे, ठीक है। अब इंस्टाग्राम तो आप लोग रील्स देख करके अच्छे अच्छे जो वीडियोस देखते हो, मुझे पता है कौन सी देखते हो, ठीक है। तो वो वीडियोस को आपको नहीं देखना है, यहाँ पे जो वीडियोस मैं बता रहा हूँ वो सर्च करना है और इसके ऊपर काम करना है, ठीक है। इससे आप पैसा कमाओगे और उससे सिर्फ आपका टाइम बर्बाद होगा। तो आप लोगों को करना क्या है, यहाँ पे सर्च वाले आइकन पे क्लिक करना है। सर्च वाले आइकन पे क्लिक करने के बाद आप लोगों को यहाँ पे सिंपली वही लिख देना है, सेटिस्फाई वीडियो। अब यहाँ पे दोस्तों आप लोग देखोगे काफी सारा आप लोगों को वीडियो देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे अकाउंट्स आ गया, तो यहाँ पे आप कोई भी एक अकाउंट ओपन कर सकते हो, अकाउंट से भी आप लोगों को वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। और इसमें जैसे इस अकाउंट पे ज्यादा वीडियो नहीं है तो आपको कोई दूसरा अकाउंट ले लेना है, वैसे आपको उसमें काफी सारे वीडियोस देखने को मिल जाएगा, ऐसे भी वीडियोस मिल जाएगी, ठीक है। तो चलो मैं यहाँ पे सेटिस्फाई एक अकाउंट दूसरा कोई अकाउंट ले लेता हूँ, जैसे ये वाला अकाउंट ले लेते हैं। अब दोस्तों इस पे देख लो आप लोगों को काफी सारे रील देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। अब इनमें से आपको जो भी वर्क हो रहा है, बस इसमें काम हो रहा है, ये वीडियो चल रहा है, ऐसा वीडियो आप लोगों को लेना है, ठीक है। तो चलो इसमें से कोई भी एक रील ले लेते हैं, जैसे ये वाला रील है, ठीक है। अब ये वाला रील है, इसमें सिर्फ ये काम हो रहा है। अब आपको करना क्या है, इस रील पर क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ थ्री डॉट्स यहाँ पे नीचे में दिख रहा है, इसके ऊपर क्लिक करना है, और यहाँ पे आप लोगों को कॉपी लिंक का ऑप्शन है, इसके ऊपर क्लिक कर देना है, ठीक है। इतना कर देने के बाद आप लोगों को करना क्या है, यहाँ पे चले जाना है गूगल पे। गूगल पे जाने के बाद आप लोगों को लिख देना है इंस्टाग्राम डाउनलोड वीडियो। लोगों को क्या लिखना है, इंस्टाग्राम डाउनलोड वीडियो डाउनलोड, ठीक है। इंस्टाग्राम वीडियो डाउनलोड जैसे लिखोगे पहली वाली वेबसाइट आएगी, इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर जैसे क्लिक करोगे इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। उसके बाद आपको करना क्या है, उसी लिंक को यहाँ पे पेस्ट कर देना है, ठीक है। उस लिंक को इस तरीके से पेस्ट करके यहाँ पे डाउनलोड करना लिखा, मेरे हिंदी में आ गया, डाउनलोड आएगा, इस पर क्लिक कर देना है। इसके ऊपर जैसे ही आप लोग क्लिक करोगे यहाँ से ये आपके फाइल में गैलरी में डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा, ठीक। इतना काम करते ही आप लोगों का ये वीडियो जो है गैलरी में डाउनलोड होने लग जाएगा। अब आप लोगों को एडिटिंग किस तरीके से करना है वो मैं बता देता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले इसको देख लेते हैं कितना डाउनलोड हुआ है, इसको थोड़ा डाउनलोड हो जाने देते हैं। चलो भाई ये फाइनली डाउनलोड हो चुका है, अब आप लोगों को एडिटिंग कैसे करना है वो जान लो, ठीक है। तो दोस्तों सबसे पहले आप लोगों को करना क्या है, कोई भी एप्लीकेशन ओपन कर सकते हो जिसमें भी आप एडिटिंग करते हो,
तो सिंपली दोस्तों यहाँ पे मैं काइन मास्टर रिकमेंड करूंगा क्योंकि इससे बहुत ही प्रोफेशनल एडिटिंग होती है और मैं पर्सनली इसका यूज करता हूँ। ठीक है, तो आप लोगों को करना क्या है, काइन मास्टर एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। काइन मास्टर एप्लीकेशन को ओपन हो जाने देते हैं। अब आप लोगों को बताता हूँ बारीकी से एडिटिंग किस तरीके से करना है। ठीक है, इस तरीके से काइन मास्टर आपका ओपन होगा। न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है। न्यू प्रोजेक्ट पे जैसे ही आप लोग क्लिक करोगे ऐसा इंटरफेस आएगा। अब आप लोगों को करना क्या है, यहाँ से एक रेशो सिलेक्ट करना है जिस रेशो में आपका वीडियो होगा। तो आपका शॉर्ट वीडियो बनाना है तो आप ये वाला रेशो सिंपली सिलेक्ट कर लो, 4:5 रेशो वाला, इस पर सिलेक्ट करके क्रिएट वाले बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। ठीक है, जैसे ही आप लोग इसके ऊपर क्लिक करोगे इस तरीके का इंटरफेस आएगा। आप लोगों को उसके बाद इमेज सेट्स पे चले जाना है। इतना जाने के बाद आप लोगों को क्या करना है, कोई भी एक इमेज बैकग्राउंड ले लेना है, जैसे कि यहाँ पे मैं ब्लैक ले लेता हूँ नॉर्मली। ठीक है, अब जितना भी लंबा आपको वीडियो बनाना है उतना लंबा इसको फैलाना है। ठीक है, तो हम चलो इसको फैला लेते हैं थोड़ा सा आगे तक। तो चलिए दोस्तों, हमने इसको आगे तक फैला लिया। फैला लेने के बाद आपको करना क्या है, यहीं पे इतना पे रहने देना है। उसके बाद लेयर वाले बटन पे क्लिक करना है, मीडिया पे जाना है। अब आप लोगों को जो वीडियो जो डाउनलोड किया है वो वीडियो लेना है, तो यहाँ पे ये वीडियो पे हम क्लिक कर देते हैं। यहाँ से 17 सेकंड का वीडियो जो है हमने ले लिया। ठीक है, अब आप लोगों को करना क्या है, इस वीडियो को पूरा इस तरीके से फैला लेना है, फैला के बड़ा कर लेना है। ठीक है, इस तरीके से दोस्तों आप लोगों को फैला लेना है। फैला लेने के बाद लेयर वाले बटन पे क्लिक करना है, उसके बाद टेक्स्ट पे क्लिक करना है। अब आप इस पे कुछ लिख सकते हो, कुछ यूनिक सा वर्ड। ठीक है, जैसे मैं लिख देता हूँ यहाँ पे जो भी, जैसे कि जैसे दोस्तों ये जो भी काम हो रहा है ना, वीडियो एंड तक बंदा देखे, इसलिए आपको कुछ इस पे हेडलाइन एक दे देनी है। ठीक है, जैसे हम यहाँ पे एक हेडलाइन दे देते हैं, जैसे मैं लिख देता हूँ, जैसे दोस्तों यहाँ पे मैं एक हेडलाइन दे देता हूँ, वेट फॉर एंड, मतलब कि लोगों को ऐसा लगेगा कि लास्ट में क्या हुआ। ठीक है, वेट फॉर एंड, तो जैसे दोस्तों यहाँ पे हम एक हेडलाइन दे दिए वेट फॉर एंड। अब आप लोगों को करना क्या, इसको बड़ा करना है, उसके बाद फॉन्ट पे जाना है। अब इस पे से आप कोई भी एक फॉन्ट दे सकते हो, जो भी फॉन्ट आपको अच्छा लगे, तो ये वाला फॉन्ट मुझे अच्छा लगा। अब उसके बाद आप लोगों को यहाँ पे इसको लगा देना है। उसके बाद आप लोगों को करना क्या, इसको इस तरीके से फैला करके इसको भी जहाँ तक वीडियो है वहाँ तक इसको ले देना है। अब बाकी का जो लेयर हमारा फालतू बची है, इस लेयर को आप लोगों को यहाँ से काट कर देना है। ठीक है, तो यहाँ से स्प्लिट वाले बटन पर क्लिक करेंगे और इसके बाकी के पार्ट को यहाँ से हटा देंगे। आपका यहाँ से इतना वीडियो रेडी हो चुका है। अब आप लोगों को क्या करना है वो मैं बता देता हूँ। ठीक है, अब आप लोगों को यहाँ से ना, अब आप लोगों को दोस्तों यहाँ से क्या करना है, यहाँ से ऑडियो वाले बटन पे जाना है। अब इसमें ना कोई आप एक चलता फिरता म्यूजिक लगा सकते हो, जो म्यूजिक थोड़ा सुनने में बढ़िया लगे। कोई जरूरी नहीं है आपको नॉन कॉपीराइट म्यूजिक यूज करना है, जो म्यूजिक थोड़े से सुनने में बढ़िया लगे। आप ये ना यूट्यूब लाइब्रेरी, ये दोस्तों आप YouTube लाइब्रेरी से भी ले सकते हो। साथ ही साथ दोस्तों आप लोग यहाँ पे एक NCS करके चैनल आता है, वहाँ पे नॉन कॉपीराइट म्यूजिक बहुत सारे मिल जाएंगे, वहाँ से भी आप लोग ले सकते हो। तो यहाँ से मैं कोई भी एक म्यूजिक ले लेता हूँ आप लोगों को नॉर्मली सिखाने के लिए, तो मैं ये म्यूजिक ले लिया हूँ। अब इस पर क्लिक करना है, इस पर प्लस वाले आइकन पर क्लिक करके ये म्यूजिक लग गया। ठीक है, अब जहाँ तक वीडियो खत्म हो रहा है तो इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे स्प्लिट वाले बटन पर क्लिक कर देना है और यहाँ पे ट्रिम राइट कर देना है। ठीक है, इतना कर देते ही आपका जो बाकी का जो पार्ट है वो हट गया। अब हट जाने के बाद आप लोगों को करना क्या है, यहाँ पे आप लोगों को दोस्तों करना क्या है, यहाँ से एक्सपोर्ट वाले बटन पे क्लिक करना है और यहाँ से सेव वीडियो पे क्लिक कर देना है। ठीक है, इसको सेव हो जाने देते हैं। अब इसको सेव इस तरीके से हो जाने दे रहे हैं। फाइनली दोस्तों ये यहाँ पे सेव हो चुका है। अब आप लोगों को क्या करना है वो मैं बता देता हूँ। अब दोस्तों जो वीडियो आपका तैयार हुआ है उसको आप लोगों को YouTube पे अपलोड कर देना है। दोस्तों ऐसा वीडियो आप अपलोड करोगे तो देख सकते हो कि इतनी कम वीडियोज में इतनी ज्यादा दोस्तों सब्सक्राइबर हो चुके हैं। और अब दोस्तों आप लोगों को करना क्या है, सिंपली जो वीडियो आपका तैयार हुआ है उस वीडियो को YouTube पे अपलोड करना है। YouTube पे अपलोड करने के बाद देन दोस्तों आप लोग देख सकते हो चैनल पर सिर्फ ऐसी 56 वीडियोज ही डाली गई थी और सब्सक्राइबर कितना ज़्यादा हुआ था और उस चैनल की अर्निंग कितनी ज़्यादा थी। ऐसे दोस्तों आपका भी कोई ना एक या दो वीडियो डालोगे, तीन वीडियो डालोगे, ऐसी आपका कोई ना कोई वीडियो जरूर निकलेगा और आपकी भी कुछ ऐसी अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, और वीडियो बनाने में दोस्तों बहुत मेहनत लगता है और अभी के टाइम पे हमारा चैनल काफ़ी ज़्यादा डाउन भी चल रहा है, तो दोस्तों आप लोग अपना प्यार एंड सपोर्ट जरूर बनाएं और दोस्तों वीडियो को जरूर से लाइक करें। चैनल पर नए हो, वीडियो पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें। साथ ही साथ दोस्तों मैं मिलता हूँ फिर से आपसे एक इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियो में। साथ ही साथ दोस्तों अगर आपका कोई क्वायरी रह गया हो, पर्सनल क्वायरी, तो आप लोग मेरे को इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो। मेरे इंस्टाग्राम का जो यूजर नेम है shivamsa849 है। मैं मिलता हूँ फिर से आपसे एक इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।